बाहर आकर ना सही अंदर से ही बता दो क्या हुआ है। अगर परेशानी दूर हो गई है ना तो दो बार दरवाजा खटखटा दो ऐसे, और अगर अब भी बिस्तर गीला हुआ हो तो एक बार दरवाजा खटखटाना ऐसे। बोंदिता, बोंदिता तुमने दरवाजा फिर से खटखटाया क्या? मैंने जो आवाज सुनी वाकई वैसा हुआ है बोंदिता? तुमने दरवाजा दूसरी बार खटखटाया ना बोंदिता? इसका मतलब हम दोनों मिलकर जीत गए बोंदिता, जीत गए, जीत गए। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, यही रहोगी। हम सबके साथ यही रहो।
विनोद, मिनी के साथ क्लब जा रहे हो? हाँ बाबा। अच्छा है, टेनिस हो या जिंदगी, अगर साथी खिलाड़ी अच्छा हो और अपनी पसंद का, तो खेल का मजा ही कुछ और होता है। वैसे आगे का क्या सोचा है तुमने? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। Come on अनिरुद्ध, बच्चों जैसी बातें मत करो। लंदन से तुम बैरिस्टर की पढ़ाई कर आए हो, किस लिए? यूं ही लड़कियों को सती से बचाने के लिए, या उनकी बिस्तर गीला करने की समस्या को ठीक करने के लिए? या यूं सोचा है कि इस देश में बहुत बड़ी क्रांति लाओगे, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करोगे अपना? बाबा मैं आपसे, बात मेरी पूरी खत्म नहीं हुई है अनिरुद्ध। मैं आज कलकत्ता गवर्नर जनरल से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ पर बात करूंगा तुम्हारे बैरिस्टर प्रैक्टिस के लिए। बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू, आपसे बात कहनी है बैरिस्टर बाबू। कह दो। कहो कौन देता है? वो पहले गुसल खाने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे। ऐसा लगता था जैसे बिना मेरी गलती के कोई दंड दे दिया हो आपने। पर अब लगता है कि आपने दंड नहीं, कोई तोहफा दिया है मुझे। आराम से जब तक जी चाहे नहा लेती हूँ अंदर। अच्छा, नदी के जैसे चोरों की तरह डर कर नहीं नहाना पड़ता कि कोई आ जाएगा वहाँ, और अपने वक्त के हिसाब से जब तक जी चाहे नहा सकती हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है बॉन्डिता, काश तुम्हारी तरह सब समझ जाते कि बदलाव सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रकृति का नियम है। सब समझेंगे, जरूर समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो हम दोनों साथ मिलकर समझा देंगे। वैसे एक बात और कहनी है आपसे। कहूं? जैसे उसने मना किया तो तुम कहोगी नहीं? कहूंगी तो फिर भी। मन की बात अंदर क्यों रखे हैं? वंदिता, जो कहना है वो कह दो। सिर्फ कहना नहीं, आपको कुछ देना भी है मुझे। क्या चल रहा है अनिरुद्ध? क्या देना क्या लेना, समझाते क्यों नहीं हो? जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। ये बात सीधा मुझसे भी कह सकते हैं आप, बुरा नहीं मानूंगी मैं। आप बड़े हैं, माँ ने सिखाया है कि बुरा नहीं मानना चाहिए बड़ों की बात का। अब बीच में बोलने के लिए माफी मांगती हूँ आपसे। बोंदिता, जो भी कहना है, जो भी देना है, बाद में, ठीक है? अभी जाओ। बाबा, आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या करना चाहते हो आगे, तो बैरिस्ट्री करना चाहता हूँ, पर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए क्यों? दूसरों के जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं बाबा? जो पढ़ाई की है मैंने, उससे उनकी मदद करना चाहता हूँ जिन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हम जैसे जमींदार और ऊंचे तबके के लोग जिन्हें मामूली सुविधाएं समझते हैं, वो कितनों के जीवन में जरूरत बनकर भी नहीं है बाबा। तो आप ही बताइए, मेरे पढ़ाई का सही इस्तेमाल किसी तरह नहीं होगा? और इसकी शुरुआत मैं तुलसीपुर में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मुहिम जो अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करके करना चाहता हूँ। पहले भी तो किया है तुमने, इस सबसे होगा क्या, क्या मिलेगा तुम्हें? कोशिश तो कर सकता हूँ ना बाबा, फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, कोशिश करता रहूंगा बाबा। नतीजा मेरे हाथ में ना सही,
कोशिश करना तो मेरे हाथों में है ना बाबा। इस देश को बदलाव की जरूरत है बाबा, और उस बदलाव की क्रांति मैं ला कर रहूंगा बाबा। घर में भी और समाज में भी। आजा तुझको मिट्टी पुकारे पुकारे चांद सितारे, आजा टेनिस बाद में खेलूंगा, अभी कुछ और जरूरी काम करना है।